नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है इन्फिनिटी इंडिया। सो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है मदर्स डे के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मदर्स डे की हिस्ट्री के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मदर्स डे का सेलिब्रेशन लगभग 1000 साल पहले से ग्रीक और रोमन करते हुए आ रहे थे, बट हम जिस मदर्स डे को जानते हैं उसकी शुरुआत सन 1908 में एना जर्विस ने की थी। एना जर्विस ने मदर्स डे की शुरुआत अपनी माँ को सम्मानित करने के लिए की थी। एना जर्विस की माँ का नाम एन डेविस जर्विस था, जो कि एक पीस एक्टिविस्ट थी। अमेरिका के वार में घायल हुए सैनिकों का वह इलाज करती थी। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मदर्स डे क्लब का निर्माण भी किया था। वर्ष 1905 में एन डेविस जर्विस की मृत्यु हो गई। एना जर्विस ने उनकी मृत्यु के पश्चात एक कैंपेन चलाया जो कि मदर्स डे के लिए था। एना जर्विस ने यह कैंपेन अपनी माँ को सम्मान देने के लिए चलाया था। उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि वर्ष में एक दिन अपनी माँ के सम्मान के लिए होना चाहिए, जिसमें सभी लोग अपनी माँ के साथ समय व्यतीत कर सकें। 1908 में यूएस कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था, पर उसके बाद सन 1914 में तात्कालिक 28वें प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने यूएस में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह प्रस्ताव था कि मई के दूसरे रविवार का दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग सपरिवार अपनी अपनी माताओं के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। पर जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, मदर्स डे एक कमर्शलाइज रूप में परिवर्तित होने लगा। वर्तमान समय में लोग केक काटकर और बाहर से गिफ्ट लाकर वर्ष में एक दिन मदर्स डे मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मदर्स डे का असली मतलब अपनी अपनी माताओं के साथ समय व्यतीत करना है। सो फ्रेंड्स, मदर्स डे के दिन इस कमर्शलाइजेशन से दूर रहकर हम अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भी अपनी अपनी माताओं को गिफ्ट दे सकते हैं और उनके पसंद की डिशेस बनाकर उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको मदर्स डे की हिस्ट्री? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और आपके कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ।